चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज एटीट्यूड एंड सोशल कग्निशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो आपका क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर सिक्स है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम आंसर करने जा रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर में सो so, स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ पर हम क्वेश्चन को लेंगे और फिर उनको डिस्कस करेंगे फिर उनके फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू गिव दी आंसर साथ ही साथ में मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताऊंगी यहाँ पर हमने आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मतलब आपके पूरे चैप्टर नंबर सिक्स से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया हुआ है और सभी को हम करेंगे मिलके आंसर ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जिसको आप आंसर ना कर सकें आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन ओके सो इन नाइनटीन लियोन फेस्टिंगर पब्लिश हिस्स थ्योरी ऑफ नाइनटीन में लियोन फेस्टिंगर ने एक थ्योरी को पब्लिश किया ठीक है उस थ्योरी का नाम क्या था वो या फिर वो थ्योरी क्या थी ऑप्शन okay? बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको फोर ऑप्शंस भी बता दिए अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में गिवन आंसर हेयर इज ऑप्शन बी दिजॉन सो so, 1957 में लियोन फेस्टिंगर ने एक थ्योरी पब्लिश की जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्नेटिव डिजोनेंस ओके क्वेश्चन नंबर टू क्लस्टर और आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप इज नोन एज क्लस्टर ऑफ आइडियाज ऐसे मान लो जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं ओके okay? प्रोग्रेसिव स्टीरियोटाइप बिलीफ और एटीट्यूड क्लस्टर ऑफ आइडियाज ठीक है बात हो रही है यहाँ पे क्लस्टर ऑफ आइडियाज की जहां पर हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड द आंसर वुड बी यस ऑप्शन बी दैट इज स्टीरियोटाइपिंग या स्टीरियोटाइप देखो स्टीरियो का मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर uh, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप भी बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट में कुछ थॉट्स uh, बना के रखना या उनके बारे में कुछ बातें करना कि ये जो है वो इस तरह के होते हैं ये इस तरह के काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन नेगेटिव सेंस तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स ठीक है इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको पहले दिए हुए हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई कास्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कास्ट सिस्टम में जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उसके अगेंस्ट में कुछ बातें बनाई जाती हैं कि दीज आर द अनटचेबल्स एंड सो ऑन सो ये स्टीरियो करना होता है उस स्पेसिफिक ग्रुप को फाइन ओके ना क्वेश्चन नंबर थ्री प्रेजुडाइज इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड इंस्टिंक्ट इमोशन और मोटिवेशन प्रेजुडाइज एक टाइप है किस चीज का एटीट्यूड का इंस्टिंक्ट का इमोशन का या मोटिवेशन का क्या होगा करेक्ट आंसर यस द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एटीट्यूड सो प्रिजुडाइज इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड और प्रिजुडाइज जो है वो से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है फाइन स्टीरियो टाइपिंग का एक और एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों चीज आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं लाइक स्टीरियो की मेल्स uh, जो होंगे वो हमेशा बाहर का ही काम करेंगे एंड फीमेल्स आर मेड फॉर ऑल दी डोमेस्टिक कोर्स ओके सो दीज आर काइंड ऑफ प्रिजिटाइजिंग एंड स्टीरियो टाइपिंग तो दोनों थोड़े से कनेक्टेड हैं हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सो आई होप सो क्वेश्चन ईजी हैं ईजी आप आंसर कर सकते हो है ना तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन uh, मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप आंसर कर पाओगे फाइन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे से क्लियर हैं सारे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक uh, है तो आंसर कर पा रहे हो ना आई होप सो कोई दिक्कत नहीं आ रही है फाइन क्वेश्चन नंबर फोर मेकिंग इनफ्रेंसिस अबाउट पर्सनल क्वालिटीज ऑफ पीपल ऑन मीटिंग देम इज कॉल्ड जब आप किसी से मिलते हो ठीक है तो आप उसके बारे में उसकी पर्सनल क्वालिटीज को लेके कुछ इन्फरेज बनाते हो कि ये इस तरह का है या ये पर्सन ऐसे इसका थॉट प्रोसेस है या ये पर्सन कुछ इस तरह का है ठीक है मे बी उसे क्या बोलेंगे आप इन्फ्रेंसिस बना रहे हो किसी personal qualities के पर्सनल क्वालिटीज को लेके जब आप उनसे मिलते हो तो इसे क्या बोलते हैं सोशल कग्निशन प्रो सोशल बिहेवियर इंप्रेशन फॉर्मेशन या सोशल फैसिलिटेशन आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यू कैन ईजिली आंसर है ना तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ऑप्शन बताया अब आप मुझे करेक्ट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में ठीक है फॉर एक्जाम्पल आपको लगता है आंसर ए है या बी है जो भी है तो यू हैव टू आंसर मी लाइक दिस लाइक फोर ए लगता है तो फोर ए मतलब ऑप्शन ए अगर करेक्ट लगता है तो अगर ऑप्शन डी करेक्ट लगता है तो फोर डी

पर जब आप उससे पहली बार मिले होगे तो आपने उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा ना लाइक बहुत छोटे में मिले होगे तो तो बात यह अलग है लेकिन अगर, अगर अभी कुछ साल पहले ही आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बना है या जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो तो फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं लोगों से तो जनरली हमारे एक टेंडेंसी होती है ना कि हम उनके बारे में इन्फ्रेंसेज बनाते हैं उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को लेके कि वो कैसे हैं कि क्या उनकी आ, मतलब साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल सारी चीज़ें हैं उसको लेके इन्फ्रेंसेज बनाना दैट इज़ नोन एज इम्प्रेशन फॉर्मेशन फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इज नोन एज जब बिहेवियर में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल या मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती हूँ लेकिन मेरे आसपास में अगर 10 पाँच लोग और खड़े हुए हैं तो मेरा जो बिहेवियर है वो इंप्रूव हो जाएगा है ना तो इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इज नोन एज ऑप्शंस इमिटेशन सोशल फैसिलिटेशन, इंट्रैक्शन और नन ऑफ दी अबव ठीक है बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल एंड दैट इज नोन एज वेरी ऑब्वियस दैट इज ऑप्शन बी दैट इज सोशल फैसिलिटेशन इसे बोलेंगे सोशल फैसिलिटेशन क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं हूं और दस पांच लोग और भी आसपास में खड़े हुए हैं सो दीज आर दी सोशल पीपल जो मेरे आसपास में हैं और इनकी वजह से है ना मैं अपने बिहेवियर uh, में इंप्रूवमेंट कर पा रही हूं सो दैट इज नोन एज सोशल फैसिलिटेशन इंट्रैक्शन का मतलब होता है आप किसी के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो लाइक like, uh, आप मुझे कभी मिलो और आपके और मेरा जो एक इंटरेक्शन होगा जिस तरह से हम बात करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन इमिटेशन इज समथिंग कि मैं किसी को इमिटेट कर रही हूँ उसको फॉलो कर रही हूँ जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल uh, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरा बिहेवियर नेगेटिव होता है लेकिन कोई दूसरा पर्सन है उसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है तो उसको देख के मैंने अपने बिहेवियर को भी पॉजिटिव कर लिया दैट इज इमिटेशन फाइन सो इमिटेशन इंट्रैक्शन दोनों अलग चीजें होती हैं सोशल फैसिलिटेशन मतलब सोसाइटी के लोगों के या सोसाइटी सोशल चीजों के प्रेजेंट होने से हमें एक तरीके का एज uh, मिल रहा हो या हमें जो है हमारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो रहा है दैट इज सोशल फैसिलिटेशन सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सोशल फैसिलिटेशन आई होप सो क्लियर है ठीक है आगे बढ़े आई डोंट थिंक सो इन क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आपको आएगी इट इज जस्ट एम सी क्यूज और एम सी क्यूज तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये चार ऑप्शन में से ही कहीं एक हमारा आंसर छुपा होता है आंसर हमारे सामने होता है वी हैव टू जस्ट मार्क दी करेक्ट वन एंड एमसीक्यूज जो होते हैं वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और चैप्टर आपने रीड किया है सो यू कैन ईजिली आंसर देम ठीक है तो ये दो चीज़ें एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी कॉन्प्ट क्लियर रहे आंसर इट विदाउट मार्किंग इट इन करेक्ट और दूसरी चीज अगर चैप्टर आपने रीड किया है तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन इजीली आंसर इट फाइन सो ये दो चीजें जो हमेशा मैं बोलती हूँ दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स द फिना

बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी एक ब्रोडर एटीट्यूड के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ब्रोडर एटीट्यूड तो इसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमको देखने को मिलेंगे ठीक है थोड़ा पिक्टोरल उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर इस फीचर को क्या बोलते हैं वैलेंस मल्टीप्लेक्सिटी सेंट्रैलिटी और एक्सट्रीमनेस टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया ना आई होप सो so, इसमें कोई दिक्कत नहीं है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मल्टीप्लेक्सिटी देखो इसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई पटना मेरा कोई एटीट्यूड है उसके अंदर मैं बहुत सारे एट्रीट्यूट को कैरी करके रखती हूँ सो दैट इज द मल्टीप्लेक्सिटी फीचर ओके okay, ये समझ में आ गया आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत है है ना आगे बढ़ते हैं आई होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी कोई भी डाउट अगर किसी भी चीज में आ रहा है ठीक है कि ये चीज नहीं आ रही है समझ में या यहाँ पर दिक्कत हो रही है सो जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन फाइन ओके क्वेश्चन नंबर एट मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स सोशल कॉग्निशन इज एक मेंटल स्ट्रक्चर जो सोशल कॉग्निशन को गाइड करता है उसे क्या बोलेंगे सोशल कॉगनीशन यू नो सो जो सोशल कॉग्निशन को गाइड करा एक मेंटल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप स्टीरियोटाइप स्केमा वेरी ऑब्वियस आंसर अगर आपको पता है तो यस दंसर इज ऑप्शन सी दैट इज स्केमा स्कैमा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे सोशल कॉग्निशन को गाइड कर रहा होता है स्कैमा के बारे में इवन आपने क्लास एलेवेंथ में भी पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी आपको कोई डाउट होगा बट ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैम बोल रही कि हाँ डाउट नहीं होगा तो डाउट नहीं होगा अगर डाउट आ रहा है सो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन वेरी फ्रीली फाइन क्वेश्चन नंबर नाइन एंड ऑगमेंटेशन इन बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इज नोन एज ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है ठीक है अभी इसका आ, आंसर हमने दिया हुआ है अगर आप समझ रहे हो तो मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर नाइन का ठीक है जल्दी से आप ही को बताना ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आप बस सुन रहे हो और फिर थोड़ी देर में हाँ चलो ठीक है पढ़ लिया और चले गए ऐसा नहीं करना है थोड़ा इंटरेक्ट करो फाइन सो बताओ मुझे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ऑगुमेंटेशन एंड बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इज नोन एज इमिटेशन सोशल फैसिलिटेशन इंट्रैक्शन और नन ऑफ द अबव बहुत ईजी आंसर है इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है येस yes, ऑब्वियसली जितने भी लोग बोल रहे हैं आंसर बी दैट इज सोशल फैसिलिटेशन इज वेरी करेक्ट अभी तो हमने देखा कि लोगों दूसरे लोगों के प्रेजेंट रहने से हमारे बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होता है बस यहाँ पर वो वर्ड को चेंज करके ऑगमेंटेशन कर दिया है समझना पड़ेगा ना ऐसे कि ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो ये अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ दैट स्टूडेंट्स ऑफन डेवलप अ लाइकिंग फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर दिस लाइकिंग इज बिकॉज ऑफ जनरली जैसे कोई टीचर है जिस टीचर को आप पसंद करते हो अब मान लो मेरे ही एग्जाम्पल ले लेते ले हैं थे, ठीक है हम लोग मुझे सब बहुत बहुत पसंद करते हो ठीक है आई एम योर फेवरेट टीचर अब मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ही प्यार हो जाए यह सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लग जाए जस्ट बिकॉज यू लाइक योर टीचर फाइन सो स्टूडेंट्स ऑफन डेवलप अ लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर क्योंकि वो टीचर उस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ाता है और वो भी उस टीचर को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उनको वो सब्जेक्ट ही अच्छा लगने लग जाता है दैट है ना ऑफन इस लाइकिंग को क्या बोलेंगे या ये जो लाइकिंग है ये क्यों हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ Positive association between teacher and student, negative association between teacher and student, neutral association between teacher and student. बोथ ए एंड बी दैट इजोसिएशन टीचर एंड स्टूडेंट एंड करप हो पा रही है अगर वो नेगेटिव एसोसिएशन होता की जैसे मान लो मैं पढ़ाती तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन बहुत डांटती हूँ बहुत चिल्लाती हूँ तो शायद आपको पढ़ने में मजा ना आएगा है ना तो वो नेगेटिव एसोसिएशन हो जाएगा ओके सो काइंड ऑफ तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव एसोसिएशन है जिसकी वजह से हो रही है फाइन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन अ पर्सन हैज वॉट पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रीडिंग अबाउट अ सक्सेसफुल वुमेन मेड दिस एटीट्यूड मोर पॉजिटिव दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एटीट्यूड चेंज एक पर्सन है उसका वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है मतलब वो चाहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए है ना वो चाहता है कि वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट जो है मिलना चाहिए वो भी हर एक फील्ड में आगे बढ़े वो भी बहुत तरक्की करें एक सेक्टर एक सेक्टर और जब वो किसी एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में पढ़ता है रीड कर रहा होता है ठीक है तो उसका ये एटीट्यूड जो है और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ ये तो अब होना ही होना चाहिए ये किस तरह के एटीट्यूड चेंज का एग्जाम्पल है इनकॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट डिजोनेट और कॉगोनेटिव ठीक है बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अगर ये आपको ये चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सो यू कैन आंसर मी द करेक्ट वन जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और वही करना है पहले क्वेश्चन नंबर फिर जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज इलेवन एंड यू थिंक के आंसर इज ए सो इलेवन ए इलेवन बी इलेवन सी इलेवन टी वॉट फाइंड वट इज द करेक्ट आंसर ये ये दंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कॉन्ग्रुवेंट देखो ये एक कॉन्ग्रुवेंट एटीट्यूड चेंज का एग्जाम्पल है कैसे एक पर्सन बोल रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेके। जब वुमेन एम्पावरमेंट होता है तो उसका ये एटीट्यूड और पॉजिटिव हो जाता है तो दैट मीन्स एक कॉन्ग्रुवेंस बना हुआ है अगर यहाँ पर ऐसा होता कि वो बोलता तो है सॉरी <coughs> कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होना चाहिए बोल तो वो राय कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होना चाहिए लेकिन जब उसने रीड किया एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में तो उसका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो गया उस वुमेन को लेके उसने कहा कि अरे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वो वुमेन जो है एयरलाइंस में वर्क करती है ठीक है मे बी शी इज़ अ पायलट ओके अब वो पायलट को लेके वुमेन पायलट को लेके जो है एक स्टोरी दी हुई थी न्यूज़पेपर में वो सुबह उठा वैसे तो बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करता था लेकिन वो सुबह उठा और उसने देखा पेपर में कि ऐसा दिया हुआ एक सक्सेसफुल वुमेन हुए इज अ पायलट है ना तो वो बोलता है अरे ये देखो ये पायलट बन गई है अब इनके घर पर इनके बच्चे होंगे जिनकी देखभरेख अच्छे से नहीं होती होगी ऐसे में बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा और हस्बैंड को भी जो है ये टाइम पर खाना बना के नहीं दे पाती होगी क्योंकि अपने जॉब में इतना ज्यादा पैसे कमाने में आगे बढ़ रही है ठीक है सो शी इज़ नॉट अ गुड वुमेन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बोल तो वो कुछ और रहा था मतलब बातों से तो कुछ और था बट इन रियलिटी उसके एक्शन बिल्कुल डिफरेंट थे सो दैट इज नोन एज द थेग्रुवेंट फाइन लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि कॉन्ग्रुवेंस हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि जो वो बोल रहा था वही सेम चीज उसके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी इसका एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था कि जैसे कोई पर्सन बोलता है कि उसको पान मसाला आ, मतलब पान मसाला खाने से जो है कैंसर हो सकता है और दूसरी तरफ वो खुद ही पान मसाला कंज्यूम करता था

अब हमारी सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है पहले के समय में कि हमेशा जो मेन होंगे वही बाहर घर से बाहर काम करने के लिए जाएंगे पैसे कमा के लाएंगे और वुमेन का काम होगा घर के अंदर रह के बच्चों की देख करना घर संभालना और ये सारी चीज़ें दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो जो हमने मैन और वुमेन के रोल्स को लेकर की हुई थी बट ये धीरे धीरे टाइम के साथ भी चेंज हो गई प्रिजुडाइज का भी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे चुकी हूँ फाइन आई होप सो दैट इज ऑल्सो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन रितेश सीज हिज पेरेंट्स अचीव फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क ही हिज मदर टू बी हिज रोल मॉडल एज अ रिजल्ट रितेश डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टूवर्ड्स सक्सेस एंड हार्डवर्क दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रितेश ने देखा कि उसके पेरेंट्स फाइनेंशियल सक्सेस पाते हैं हार्डवर्क के थ्रू मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं हार्डवर्क करते हैं जिसकी वजह से आज वो फाइनेंशियली बहुत वेल well स्टेब्लिश हैं वो अपनी मम्मी को रोल मॉडल मानता था ठीक है और इसका रिजल्ट ये हुआ कि रितेश का एक स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप हो गया इस चीज़ को लेके कि सक्सेस और हार्डवर्क जो है वो मतलब उसको लेकर उसका एक बहुत ही स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हार्डवर्क करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी चाहे किसी भी फील्ड में हो ये समझ में आ गया कि रितेश अपने पेरेंट्स को देखता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी आज फाइनेंशियली वो लोग बहुत वेल uh, एस्टैब्लिश्ड well हैं उसकी मम्मी उसके लिए रोल मॉडल होती हैं और ये सब देख के वो ये समझ जाता है कि सक्सेस और हार्ड वर्क करने से ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सॉरी मतलब हार्ड वर्क करने से ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो इसका उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड सक्सेस और हार्डवर्क को लेकर डेवलप हो जाता है ये किस एक चीज़ का एग्जाम्पल है ठीक है ऑप्शन सुनो लर्निंग थ्रू लर्निंग एटीट्यूड Through exposure to information, learning attitude through observation, learning attitude through group or cultural norms, learning attitude through rewards and punishment. I think that is very obvious. इसका आंसर आप सभी को पता होगा। मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से। देखो, अगर ये इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन्स के आंसर आप नहीं दे पाओगे, so that is not good for you। आपको बहुत पढ़ाई करनी है मतलब अभी। देखो, the correct answer is option B.

क्या आपने किसी ग्रुप या किसी कल्चरल नॉर्म्स या आपका कल्चर आपकी सोसाइटी आपको ये चीज सिखाती है नहीं क्या आपको आ, कोई रिवॉर्ड दिया गया हार्डवर्क करने के लिए इसलिए आपने ये समझा कि हार्डवर्क करने से ही सक्सेस मिलती है नहीं यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया है इन सारी चीजों को तब उसको ये बात समझ में आई है सो देर द करेक्ट आंसर इज लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ऑब्जर्वेशन फाइन कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ठीक है आई होप सो दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इनका अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको बहुत अभी पढ़ने की जरूरत है बहुत अच्छे से पढ़ो अभी चैप्टर शायद उतना अच्छे से क्लियर नहीं है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू एंडोर्स आइटम्स इन डिजायरेबल मैनर इज नोन एज रेस्पॉन्डेंट की टेंडेंसी जहाँ पर वो आइटम्स को हमेशा सोशली डिजायरेबल मैनर में ही एंडोर्स करता है इसे हम क्या बोलते हैं ओके सेल्फ रिपोर्ट सोशल डिजायरेबिलिटी हालो इफेक्ट बहुत सिंपल है इसका भी आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है यस द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी अगर आप कोई काम सोसाइटी uh, के अकॉर्डिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप सोशल डिजायरेबल मैनर में कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे सोशल डिजायरेबिलिटी फाइन एक्वेस इज समथिंग कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो और आप हमेशा उसका आंसर ये में ही कर रहे हो सेल्फ रिपोर्ट इज डिफरेंट एंड हालो इफेक्ट इज वेरी डिफरेंट ओके सो सोशल डिजायरेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर हेयर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉजेज टू द बिहेवियर शोन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन इज नोन एज किसी स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में आपके बिहेवियर के कारणों का पता करना या आप किसी पर्टिकुलर तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव कर रहे थे तो उसका क्या रीज़न है इसको जब हम आ, मतलब पता लगाते हैं या इस एक प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एट्रीब्यूशन एटीट्यूड स्टीरियोटाइप या प्रिजुटाइज ये कोई सिचुएशन है इस सिचुएशन में ये आप हो आप किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हो आपके इस बिहेवियर के क्या कारण हैं क्या कॉजेस हैं जब हम उसको असाइन करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे प्रोसेस ऑफ असाइनिंगसेस एट्रीब्यूशन वेरी ऑब्वियस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आप एट्रीब्यूट को बता रहे हो एटीट्यूड की बात यहां पर होनी रही है you know well. so, A, कोई तो नहीं है यहाँ तक ठीक है सो so, कोई भी डाउट है सो कैन कजिली आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन uh, अब इसी के साथ में आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर ओके सो समाइम्स वी थिंक ऑफ द टारगेट पर्सन इन टर्म्स ऑफ वट एवर इंफॉर्मेशन कम्स एट द एंड कभी कभी हम टारगेट पर्सन के बारे में सोचते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसके अकॉर्डिंग एंड हैज ए स्ट्रॉगर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रेशन दिस मे बी ड्यू टू द मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता पर आप मुझसे पढ़ते हो तो आप मेरे बारे में जाके बताओ किसको अपने फ्रेंड को कि वो मैम ऐसे ऐसे पढ़ाती हैं या जो भी आप उसको मेरे बारे में बताते हो अब वो जो पर्सन है जिसको आपने बताया है वो मेरे बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म कर लेता है कि मैम ऐसी होंगी ऐसी दिखती होंगी उसने मुझे कभी नहीं देखा ठीक है ना ही उसने मुझे यूट्यूब पे देखा ना ही आपने उसको मुझे दिखाया है कुछ भी नहीं हुआ है आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन उसको दी है मेरे बारे में अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो एक इम्प्रेशन मेरे बारे में फॉर्म कर लेगा ये क्यों होता है दिस में भी ड्यू टू प्राइमरी इफेक्ट हालो इफेक्ट रिसेंसी इफेक्ट और कॉन्शियसनेस बताओ इनमें से वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा होता है Sometimes we think of 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 the 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 target person in terms of whatever information comes to to end and has a a stronger influence on a person's formation of impression. This may be due to the answer is टारगेट पर्सन इन टर्म्स इन्फॉर्मेशन टेज ए स्ट्रॉगर इन्फ्लुस ऑप्शन सी दैट इज रिसेंसी इफेक्ट इसे हम क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं तो uh, ऐसा कर पा रहा है फॉर्मेशन कर पा रहा है इम्प्रेशन का दैट इज बिकॉज ऑफ दिसेंसी इफेक्ट सिंपल एज इट इज ठीक है, आई होप सो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है तो आंसर किया है तो ऐसे ही रीड करना है अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझना है अगर आप जल्दी जल्दी रीड करके और आंसर लगा दो कि कि अच्छा हाँ आधे ही पढ़ा और हाँ हाँ इसके बारे में तो मुझे पता और आंसर लगा दिया वो कभी कभी गलत हो जाता है क्योंकि पढ़ के हम जाते हैं लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां कर देते हैं और जो मैंने चीज़ आपको कही है कि चैप्टर आपको पूरा रीड करना है और कंसेप्ट आपको अपने क्लियर रखने हैं ये दो चीज़ों से ही आप अपने एग्जाम में बहुत 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 अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो सो so इसीलिए बार बार अच्छे से जो है सारी चीजों को पढ़ो रिवीजन करो ऑल दी वेरी बेस्ट हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके मैं आती रहूंगी और हम मिलते रहेंगे तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में पर अभी जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रिन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो देखो डेली लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रींस के यूट्यूब चैनल पर साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रस की ऐप है आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रींस की वेबसाइट है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट ब्रस डॉट कॉम ये बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है आप इसको गूगल पे एंटर करो आपके सामने मैग्नेट बीन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज मिलेंगे हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा विद बेस्ट टीचर्स Osionfish. आपको बस क्या करना है आपको जो भी कोर्स स्टडी करना है उस कोर्स पर क्लिक करो उससे रिलेटेड क्लासेज क्लासेज आ जाएंगी क्लासेस पर क्लिक करो फिर उसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे स्क्रॉल करोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक किया उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स आ गए जो चैप्टर पढ़ना है चैप्टर पे क्लिक करोगे तो सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे जो क्लास जो चैप्टर जो सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपका वीडियो ओपन सो so, बहुत ही इजीली आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में मिल जाएंगी आपको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एवरी थिंग इज देयर अवेलेबल इन अ सीक्वेंशियल मैनर और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है हम ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे और ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है एवरी थिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर तो बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मैग्नेट बेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस हंड्रेड परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके इसी के साथ साथ आप मैग्नेट बेन्स को इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी मिल जाएंगे वेबसाइट पर ही अगर आप राइट साइड में टॉप पर देखोगे तो आपको गेट नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा नोट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी ले सकते हो इसके अलावा मैग्नेट बेन्स में किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है लाइक सेम्पल क्वेश्चन पेपर्स बुक्स एम सी क्यू बुक्स थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर तो अगर आपको ये बुक्स चाहिए हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा उसे फिल कर दो और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी सो अगेन दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मैग्नेट बेन्स पर आप बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो और कोई भी डाउट है तो हमसे पूछो कमेंट सेक्शन में फॉर मोर अपडेट्स स्टे ड्यून विद मैग्नेट बेन्स और अगर वीडियो पसंद आ गया है तो जल्दी से करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच